स्मार्ट सिटी इंदौर के साथ ही उज्जैन, देवास, रतलाम, पीतमपुर, धार आदि क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत की भावना के साथ ही अपनी छत अपनी बिजली का नारा बुलंद किया गया है। बिजली कंपनी के कार्य क्षेत्र में लगभग 1720 घर, संस्था, दफ्तर, फैक्ट्री आदि की छतों से बिजली तैयार की जा रही है। वर्ष भर में लगभग 15 करोड़ रुपए बाजार कीमत की बिजली छतों पर पैनल्स लगाकर तैयार की जा रही है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर के मार्गदर्शन में मालवा और निमाड़ के सभी 15 जिलों में नेट मीटरिंग रूफ टॉप एनर्जी यानी स्वयं की छत पर पैनल्स लगाकर बिजली तैयार की जा रही है। सबसे ज्यादा 1060 स्थान इंदौर शहर के हैं, जहां से बिजली तैयार की जा रही है। इसके बाद उज्जैन के 250, इंदौर ग्रामीण के 95 और रतलाम के 77, बड़वानी के 50, खरगोन के 45, धार के 34 और देवास के 33, नीमच के 33, खंडवा जिले से 27 स्थानों पर छतों पर पैनल्स के माध्यम से बिजली तैयार की जा रही है। मुख्य महाप्रबंधक संतोष टैगोर ने बताया है कि इन परिसरों में बिजली कनेक्शन सामान्य रूप से होता है और छत से जितनी बिजली तैयार होती है वह बिजली की लाइन से प्रवाहित हो जाती है और जितनी बिजली घर या परिसर पर उपयोग की जाती है दोनों के अंतर का बिल जारी होता है। मालवा और निमाड़ में करीब 30 परिसर ऐसे हैं जहाँ पर उपयोग से ज्यादा बिजली तैयार हो रही है, इन्हें बिल क्रेडिट के दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश शासन की ऐसी मंशा है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत ये चीज़ें आती है, रिन्यूएबल एनर्जी में हम अधिक से अधिक उत्पादन करें सो देट कि हम लोगों को जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेस है जिसमें विद्युत उत्पादन के जो कन्वेंशनल सोर्सेस है उस पर आपूर्ति उसमें दिक्कत न हो या उसमें असुविधा न हो। तो इस दृष्टिकोण में मेरी छत जो सोलर वाला जो प्रोजेक्ट है उसको हम लोग लीड कर रहे हैं और हमारे उपभोक्ता यहाँ पर बहुत अच्छे जागरूक है, तो हम लोग सभी जगह बात करते हुए बाकी चीज़ों को प्रोसेस इम्प्लीमेंट करते हुए और जो उसमें सब्सिडी का चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। गौरतलब है कि मालवा और निमाड़ में 36 मेगावाट क्षमता के नेट मीटरिंग संयंत्र यानी छतों पर बिजली तैयार की जा रही है। इस वर्ष के अंत तक कुल 50 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य लिया गया है। कंपनी भारत शासन के सहयोग से नेट मीटरिंग की क्षमता 15 मेगावाट बढ़ा रहे हैं, जहां पर इच्छुक उपभोक्ताओं को 40% तक की सब्सिडी संयंत्र लगाने के लिए दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।